हेलो गाइस वेलकम टू ए एजुकेशन तो जो आज हम टॉपिक्स जो कवर करेंगे वो होगा न्यूक्लिक एसिड जो कि एनसीईआरटी के पेज नंबर 149 में है नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग ऑफ मोनोमर्स इन पॉलीमर्स जो कि पेज नंबर 151 एंड 152 में है इसमें किस किस में हम देखेंगे प्रोटीन्स में हम बॉन्डिंग देखेंगे न्यूक्लिक एसिड में बॉन्डिंग देखेंगे एंड पॉलीसेक्राइड्स में बॉन्डिंग देखेंगे इन तीनों को हम नीट पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर लेंगे सारा का सारा और आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी यूट्यूब में एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड लाइक भी जरूर कर देना वीडियो को अगर पसंद आए तो एजुकेशन लास्ट लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर थ्री में हमने पॉलीसैक्ट तक कवर कर लिया था एंड हमने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन तक पढ़ लिया था और हमारा एक टॉपिक रह गया था न्यूक्लिक एसिड तो हम न्यूक्लिक एसिड इस वीडियो में कवर करेंगे सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डायरेक्टली मैं आपको पढ़ाना शुरू करता हूँ न्यूक्लिक एसिड के बारे में वो भी अपने हैंड रिटन नोट्स की मदद से न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक एसिड क्या होता है पॉलीमर होता है न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं पॉलीमर प्रेजेंट प्रेजेंट इन एसिड इन सोल्यूबल फ्रैक्शन ये हमने पढ़ा था कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है एसिड इन सोल्यूबल फ्रैक्शन में प्रेजेंट होता है न्यूक्लिक एसिड ये एक पॉलीमर होता है इस पॉलीमर का जो मोनोमर होता है वो होते हैं न्यूक्लियोटाइड दीज आर पॉली न्यूक्टाइड न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड भी हम उसको बोलते हैं क्योंकि न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर होता है न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड अब किससे बनता है न्यूक्लियोटाइड बनता है एक तो नाइट्रोजन बेस से प्लस पेंटो शुगर से प्लस फॉस्फोरिक एसिड से नाइट्रोजन बेस होता है नाइट्रोजन बेस की क्या होती है एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है या फिर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है नाइट्रोजन बेस क्या होता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है पेंटोज शुगर दो टाइप की होती है राइबोस भी हो सकती है एंड डी ऑक्सी भी हो सकती है अगर डी एन ए तो उसमें डी ऑक्सी राइबोज शुगर होगी और अगर आर एन ए होगा तो उसमें राइबोज शुगर होगी पेंटोज मतलब फाइव कार्बन वाली शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड या फिर फॉस्फेट ग्रुप तो ये क्या बनाता है न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड तीनों मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड एक होता है न्यूक्लियोसाइड अब न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटो शुगर ये बनाते हैं ये दोनों मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड तो यानी हम ये भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोसाइड किससे बनता है नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटो शुगर इसको मैं कलेक्टिवली न्यूक्लियोसाइड ही बोल सकता हूँ प्लस फॉस्फोरिक एसिड न्यूक्लियोटाइड इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड ऐसे भी हम इसको कह सकते हैं ये बात मैंने आपको बता दिया अगर आइबोज होएगा तो आरएनए बनेगा न्यूक्लिक एसिड कौन सा बनेगा आरएनए एंड अगर डीएनए अगर डी होएगा तो डीएनए बनेगा नाइट्रोजन बेस की क्लासिफिकेशन है नाइट्रोजन बेस दो टाइप के हो सकते हैं प्योरिन एंड पायराेडीस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्योरिन नाइट्रोजन बेस दो टाइप्स के हो सकते हैं प्योरिन एंड पायरामेडीन्स प्योरिनस के अंदर आते हैं एडनिन एंड ए एंड जी एंड पायरा के अंदर आते हैं साइटोसिन यूरासिल एंड थाइमीन डीएनए डीएनए का हम बोलते हैं डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड क्योंकि इसमें जो शुगर होती है डी ऑक्सी राइबो शुगर होती है इसलिए इसको क्या बोलते हैं डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड आरएनए क्या होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड तो जो अगला टॉपिक है वो है नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन पॉलीमर्स तो नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग हम पढ़ेंगे किस किस में पढ़ेंगे हम सबसे पहले प्रोटीन्स में पढ़ेंगे पॉलीसेक्राइड्स के भी पढ़ेंगे एंड न्यूक्लिक एसिड्स में भी मतलब बॉन्ड कौन कौन से बनते हैं हम ये चीज़ पढ़ेंगे सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोटीन में प्रोटीन को हम पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं क्या बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड ये क्यों बोलते हैं हम पढ़ेंगे प्रोटीन क्या होता है एक पॉलीमर होता है और जिसकी मोनोमर्स होते हैं अमीनो एसिड्स अमीनो एसिड का जो बेसिक स्ट्रक्चर हमें पता है एक ही कार्बन के ऊपर एनएच ग्रुप भी होता है जिसको बोलते हैं अमाइनो ग्रुप ये बेसिक ग्रुप होता है ये होता है बेसिक ग्रुप ये बेसिक ग्रुप होता है और ये होता है एसिडिक ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड एक आर ग्रुप होता है एक हाइड्रोजन होता है सेम ही कार्बन के ऊपर तो एक अमीनो एसिड ये अमीनो एसिड वन है ये वाला एंड ये अमीनो एसिड टू है ये दोनों जुड़े होते हैं पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू ये किसके लिंकेज के थ्रू जुड़े होते हैं पेप्टाइड लिंकेज अभी पेप्टाइड लिंकेज बनती कैसे है एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड यानी सी ओ ओ एच ग्रुप है उसमें से ओएच OH जाएगा एंड दूसरे ग्रुप का अमीनो ग्रुप ऑफ अदर अमीनो एसिड ये अदर अमीनो एसिड है इसका अमीनो ग्रुप और पहले वाले अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो ऐसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि अमीनो ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड लिंक्स विद द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ द अनदर अमीनो एसिड एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड दूसरे अमीनो एसिड का एन एच टू ग्रुप अमीनो ग्रुप तो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं पेप्टाइड लिंकेज भी बनाते हैं और वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो जाता है तो आप देख सकते हैं ये सी ओ एन एच ये बन जाता है इसको हम बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज या फिर पेप्टाइड बॉन्ड भी हम बोलते हैं या तो एमाइड लिंकेज इसी तरीके से जो ये वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये दूसरे वा, तीसरे वाले अमीनो एसिड के एन एच टू ग्रूप के साथ लिंक करके तो ऐसे ही पूरी चेन बन जाती है तो इसीलिए प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं प्रोटीन को अगर इसमें भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना प्रोटीन में बस इतना ही दे रखा है अब मैं आपको एनसीईआरटी की रीडिंग करवा देता हूं इसमें से प्रोटीन के बाद नेचर ऑफ बॉन्ड लिंक इन इन पॉलीमर्स प्रोटीनस और पॉलिपेप्टाइड्स अमिनो एसड आर लिंक बाय पेप्टाइड बॉन्ड अभी हमने देख लिया पेप्टाइड बॉन्ड के साथ कैसे लिंक link, होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के साथ एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है इसीलिए प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड भी होते हैं और ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे है कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड अभी मैंने आपको दिखाया था कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड रिएक्ट विद अमीनो ग्रुप एन टू ग्रुप ऑफ अदर अमीनो एसिड तो ये हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया तो ये इसको मैं एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है अमीनो ग्रुप ऑफ अदर अमीनो एसिड तो आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा अब अभी भी डाउट अगर तो फिर एक बार रिपीट करके देख लेना वीडियो को अब हम पढ़ेंगे बॉन्डिंग इन पॉली सेक्राइड्स में कौन सी बॉन्डिंग होती है इंडिविजुअल मोनोसेक्राइड्स आर जो सेक्राइड किस किससे बनते हैं मोनो की बॉन्डिंग से बहुत सारी मोनोसेक्राइड्स जो बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो किससे लिंक्ड होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से फॉर्म्ड बाय डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन मतलब वाटर के रिमूवल से बनते हैं क्या चीज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यानी कि मोनोसेक्राइड्स किससे जुड़े होते हैं एक दूसरे से ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं एंड पूरी चेन बना लेते हैं और बना लेते हैं पॉली इसको मैं ये जो स्ट्रक्चर है ये माल्टोज का स्ट्रक्चर है माल्टोज होता है डाई सेक्राइड क्या होता है डाई सेक्राइड तो डाई सेक्राइड यानी कि दो मोनोसेक्राइड से बना हुआ है अब देखो माल्टोस जो, माल जो बनता है ना ये जस्ट मैं आपका एग्जांपल देके समझा रहा हूँ इसका डिटेल हम पढ़ते हैं बायोलॉलिकल्स ट्वेल्थ की ये ट्वेल्थ की केमिस्ट्री के ही नोट्स हैं उसमें से मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये जो ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड है दूसरा अल्फा डी ग्लूको ये भी एक मोनोसेक्राइड है अब अल्फा और बीटा एक होता है अल्फा ग्लोकोज बीटा ग्लोकोज उस चीज़ की अभी यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ये हम ट्वेल्थ में ही पढ़ेंगे डिटेल में अभी आप इतना समझिए बस कि ये एक मोनोसेक्राइड दो मोनोसेक्राइड यहाँ पे एच होता है और एक इसमें होता है ओ एच क्या होता है अल्फा डी ग्लूकोज ऊपर एच और नीचे होता है ओ एच सिमिलरली एक एच ऊपर होता है एक ओ एच यहां पे होता है यहां से एक ओ एच ग्रुप हाइड्रोक्सल ग्रुप एक यहाँ का और एक हाइड्रोक्सल ग्रुप यहाँ का तो दोनों मिलकर क्या डिहाइड्रेट कर देते हैं मान लीजिए एक ओ एच ग्रुप है और दूसरा ओ एच ग्रुप है तो इसमें से हाइड्रोजन जाएगा और वो पूरा ओ एच निकल जाएगा तो आप देख सकते हैं ओ एच इस ओएच OH में से हाइड्रोजन गया है एंड इसका पूरा ओ OH गया है और वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो चुका है और इस टाइप की लिंकेज बनी है ऑक्सीजन इसको हम इथर लिंकेज भी बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में कौन सी लिंकेज होती है इथर इथर हम पढ़ते हैं ना केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में इथर वही वाली इथर लिंकेज भी हम इसको बोलते हैं उम्मीद आपको समझ आ गया होगा तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है इंडिविजुअल मोनोसेक्राइड्स आर लिंक्ड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फाउंड बाय डिहाइड्रेशन मतलब एक ओएच हाइड्रोक्सल ग्रुप एक मोनोसेक्राइड का हाइड्रोक्सल ग्रुप दूसरे मोनोसेक्राइड का और वाटर का रिमूवल होकर इथरा लिंकेज अभी मैंने आपको पढ़ा दिया है अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन न्यूक्लिक एसिड्स में ठीक है न्यूक्लिक एसिड को हम क्या बोलते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ न्यूक्लिक एसिड मतलब कि पॉली न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड दो टाइप का हो सकता है डीएनए या फिर आरएनए ठीक है अभी डी एन एंड आरएनए में क्या फर्क होता है हम पढ़ते हैं न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोस शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड पेंटोस शुगर अगर पेंटोस शुगर राइबोज है तो हमारा बनेगा आर और अगर पेंटोस शुगर डी है तो हमारा बनेगा डीएनए ठीक है इतना आपको समझ आ गया होगा राइबोज का स्ट्रक्चर ऐसा है एंड डी का स्ट्रक्चर ऐसा है बीटा डी राइबोज शुगर है और बीटा डी डी है अब राइबोज और डी ऑक्सी राइबोज में फर्क क्या है इनमें जो फर्क है वो टू डी ऑक्सी लिखा हुआ ना टू यानी कि सेकंड पोजीशन में ये फर्स्ट पोजीशन सेकेंड पोजीशन पे डी ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन नहीं है जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है लेकिन राइबोज में आप देखोगे एक हाइड्रोजन है और नीचे ओएच OH है और यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों के हाइड्रोजन है इन दोनों के स्ट्रक्चर में बस टू सेकंड पोजीशन में ही डिफरेंस है इसीलिए इसको टू डी राइबोज बोलते हैं नाइट्रोजन बेस नाइट्रोजन बेस दो टाइप के हो सकते हैं प्योरिन एंड पायरामेडीस नाइट्रोजन बेस दो टाइप के हैं प्योरिन में आते हैं एडिनी एंड ग्वानी एंड पायरामीटीज में आते हैं साइटोसिन एंड थाइमिन एंड यूरासिल सी टी यू भी इसको बोल सकते हैं या तो इसको मैंने पिछले लेक्चर्स में भी कवर किया है कि इसको कट भी बोल सकते हैं सी यू टी कट साइटोसिन थाइमिन एंड यूरोसिल अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डी ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का कैसा स्ट्रक्चर होता है डबल हेलिकल इसमें दो चेन्स होती हैं और दोनों चेन्स एंटी पैरदल होती है अगर एक चेन ये वाली है जैसे देखो ये एक ये ये वाली चेन है ये जा रही है ये वाली चेन जिसमें पेंसिल चला रहा हूं मैं और जो दूसरी चेन है वो ये वाली चेन है तो देखो इस पहली वाली चेन का क्या है फाइव प्राइम एंड है और ये देखो इसका नीचे थ्री प्राइम ये फाइव प्राइम एंड पहली वाली चेन का और ये थ्री प्राइम एंड जो सेकंड चेन है उसका क्या ये थ्री प्राइम एंड है और नीचे फाइव प्राइम एंड है अब ये चेन किससे बनी होती है यही डीएनए है ये क्या है ये पॉली न्यूक्लियोटाइड है एक न्यूक्लियोटाइड दो न्यूक्लियोटाइड तीन ऐसे पूरी चेन होती है ये एक ये जो पूरी चेन है ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के थ्रू बनी होती है अब न्यूक्लियोटाइड में आते हैं हमारे नाइट्रोजन बेसिस वगैरह भी होते हैं अभी हमने देखा कि न्यूक्लियोटाइड में क्या है नाइट्रोजन बेसिस भी है तो नाइट्रोजन बेस कौन से वाला है नाइट्रोजन बेस अगर एडनिन है ग्वानिन है इस बात को देखना कि ये वन स्टैंड है एक स्टैंड है और ये दूसरा स्टैंड है और ये दोनों क्या है एंटी पैरल हैं अब देखो इसके एक स्टैंड और दूसरा स्टैंड जो एक स्टैंड होता है और जो दूसरा स्टैंड होता है ये भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो भी नाइट्रोजन बेसिस की इसका जो नाइट्रोजन बेस है ग्वानी ये दूसरे वाले चेन के नाइट्रोजन बेस के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है जो ग्वानिन होता है वो साइटोसिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है और जो एडेनिन होता है वो किसके साथ बॉन्डिंग बनाता है थाइमिन के साथ तो यानी कि जो प्योरिन होता है गुआनिन एक प्योरिन है और ये पायरोमेडीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा वैसे ही एडनिन एक प्योरिन है ये पायराडीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा तो एक चारगफ रूल्स हो है होता है तो कि प्योरिन बाय पायरोमेडीन का रेशो हमेशा इक्वल होता है क्योंकि जितने गुआनिन होंगे सेकंड उसके सामने वाले स्ट्रैंड में उतने ही साइटोसिन तो इसीलिए प्योरिन बाय पायरेमेडीन इक्वल होंगे एंड उनका रेशो क्या होगा वन और ये होता है चारगफ रूल इसके ऊपर नीट में बहुत सवाल पूछे जाते हैं इसके मैं क्वेश्चन भी आपको बता दूंगा गुआनिन साइटोसिन के साथ एक बात ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो गुआनिन जो ग्योनिन है ये एक प्योरिन है और ये साइटोसिन पायरोमेडिन है ये एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं वो भी तीन हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू और ये एडेनिन है ये थाइमिन के साथ डबल बॉन्डेड डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है और ये दो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड है तो यानी एक बात तो आपको समझ आ गई है कि जो ये चेन होती है ये न्यूक्लियोटाइड होती है पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन है और जो डीएनए में डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है ना डीएनए दो स्टैंड होते हैं डीएनए में कितने स्टैंड होते हैं दो एक और दो और जो ये डबल स्टैंड जो होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं नाइट्रोजन बेसिस के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ठीक है फिर तो और ये जो कंप्लीट टर्न होता है ना यहाँ से यहाँ से शुरू किया और यहाँ पर इसका एक कम्प्लीट टर्न हो गया तो इसके एक टर्न मतलब थ्री सिक्सटी डिग्री एक टर्न पूरा करने में इसके कितने इसमें टेन बेस पेयर्स होते हैं कितने होते हैं दस बेस पेयर्स होते हैं और ये एक टर्न पूरा कंप्लीट करता है कितने डिस्टेंस कवर करेगा नीचे इतने इस डिस्टेंस को बोलते हैं पिच ऑफ हेलिक्स पिच ऑफ हेलिक्स कितना होता है थर्टी सिक्स एंगस्ट्रॉम इसको कई बार नैनोमीटर के टर्म्स में भी होता है दिया होता है तो वो आप कन्वर्ट कर लेना कि थर्टी सिक्स एंगस्ट्रॉम है तो थ्री पॉइंट सिक्स नैनोमीटर भी हम इसको कह सकते हैं पिच ऑफ हेलिक्स पिच मतलब कि एक पूरा कंप्लीट टर्न थ्री सिक्सटी घूमने में कितना डिस्टेंस नीचे आ गया वो तो उस डिस्टेंस को इस से लेकर इस यहाँ तक का डिस्टेंस उसको बोलते हैं हम पिच ऑफ हेलिक्स बोलते हैं थर्टी सिक्स एंगस्ट्रॉम और इस बीच में कितने बेसिस हैं इस इस बीच में होते हैं दस बेस पेयर्स कितने बेस पेयर्स होते हैं दस तो जैसे कि एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने बेस पेयर आएंगे दस जैसे एक बेस पेयर सेकेंड बेस पेयर ऐसे ही कितने टोटल रहेंगे यहाँ तक इन इन दोनों के बीच में आएंगे दस बेस पेयर्स तो दस बेस पेयर्स तो अब वो कह रहा है कि एक एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस होएगा टोटल यहाँ तक थर्टी सिक्स एंगस्ट्रॉग है और टोटल बेस पेयर कितने दस तो एक दो बेस पेयर के होएगा थर्टी सिक्स डिवाइडेड बाई दस तो वो आएगा थ्री पॉइंट सिक्स एंगस्ट्रॉग तो डिस्टेंस बिटवीन दो बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस आएगा थर्टी सिक्स का डिस्टेंस सॉरी थ्री पॉइंट सिक्स एंगस्ट्रॉंग का इसको बॉन्डिंग इन न्यूक्लिक एसिड अब देखो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरा न्यूक्लियोटाइड तीसरा न्यूक्लियोटाइड ये किससे से जुड़ा था जॉइन बाय फॉस्फोर डायस्टर बॉन्ड आपको पता है ये पॉली न्यूक्लियोटाइड है तो यानी न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे जुड़े होंगे न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन से बॉन्ड होंगे फॉसफॉर डायस्टर बॉन्ड होंगे और अब जब ये चेन बन गई है तो चेन एक चेन और दूसरा मतलब स्टैंड लो हुए चेन कहले की बात है एक स्टैंड और दूसरा स्टैंड एक दूसरे से जुड़े होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड एडेनिन और थाइमीन ये प्योरी है एडेनिन और थाइमीन क्या है पायरेमेडिन ये जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड यानी एक स्टैंड दूसरे स्टैंड के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है और जो एक ही जो स्टैंड के बीच में यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो होती है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्डिंग होती है तो इसमें देखो जरा अब न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है न्यूक्लियोटाइड बनता है एक तो पेंटोशुगर शुगर शुगर से बनता है एक तो थी है शुगर एक होता है फॉस्फोरिक एसिड और एक होता है तीसरा पार्ट क्या होता है इसका तीसरा पार्ट होता है ग्लाइक नाइट्रोजन बेस न्यूक्लियोटाइड किससे बनाता है अभी हमने देखा था पेंटो शुगर फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजन बेस ये तो हमने देखा कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरा न्यूक्लियोटाइड के थ्रू किसके थ्रू जुड़ाता है फॉस्फोडाइस्टर के लिंकेज के थ्रू जुड़ा होता है अब हम देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है पेंटो शुगर फॉस्फोरिक एसिड इनके बीच में जो बॉन्ड होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसमें भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है जैसे कि हम पॉलिस तो और नाइट्रोजन बेस में कौन सा बॉन्ड होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसको मैं एक बार रिपीट कर देता हूं न्यूक्लियोटाइड और शुगर न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है शुगर फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजन बेस पेंटो शुगर और एसिड ये किससे जुड़े होते हैं फॉस्फो एस्टर लिंकेज से जुड़े होते हैं अब देखो जो एक पेंटो शुगर होती है ना वो इस साइड भी फॉस्फोरिक एसिड से जुड़ा होता है और दूसरे साइड ऊपर से भी इस वाले न्यूक्लियोटाइड ये एक न्यूक्लियोटाइड है मान लो पूरा और ये सेकंड न्यूक्लियोटाइड है इस न्यूक्लियोटाइड का भी एक फॉस्फोरिक एसिड होएगा एक फॉस्फोरिक एसिड ऊपर होता है और एक जो कि लिंक होता है पेंटो शुगर के साथ और एक ऊपर वाला होता है एक नीचे होता है और एक ऊपर तो इसीलिए हम जो लिंकेज इसमें जो बोलते हैं उसको बोलते हैं फॉस्फो डाई एस्टर लिंकेज क्योंकि एक पेंटो शुगर दो फॉस्फोरिक एसिड के साथ जुड़ा होता है और जो पेंटो शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसको बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो यही सारा एन में दे रखा है इसको भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जैसे कि एक स्टैंड होता है ना ये न्यूक्लियोटाइड के थ्रू बना होता है अब एक न्यूक्लियोटाइड एक न्यूक्लियोटाइड है इसमें एक पेंटोस शुगर होगी एक पेंटो शुगर ऊपर वाले फॉस्फोरिक एसिड के साथ जुड़ेगी और सेम पेंटो शुगर नीचे वाले के फॉस्फोरिक एसिड के साथ लिंक्ड होगी तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं एक न्यूक्लियोटाइड होता है ये ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड और नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड के साथ किससे जो जुड़ा होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है इतनी बात उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि फॉसफोडाइस्टर बॉन्ड किस किसके बीच में होता है एक पेंटो शुगर बीच में होती है और ऊपर वाले का फॉस्फोरिक एसिड और नीचे वाले का भी फॉस्फोरिक एसिड बस तो ये बात आपको समझ आ गई होगी तो एक चेन बन जाती है अब वैसे ही पूरी चेन बन जाएगी तो जो एक चेन और दूसरी चेन आपको पता है डबल स्टैंडर्ड होता है दो चेन्स होती है डीएनए में तो दो चेन्स किसके थ्रू जुड़ी होती हैं प्योरिन एक चेन का प्योरिन नाइट्रोजन बेस्ड प्योरिन वाला और हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है दूसरे के पायरामिडीन से अगर यहाँ प्योरिन है तो यहाँ इसके साथ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो पायरेमेडिन होगा अगर यहाँ पायरेमेडी है तो यहाँ पे प्योरिन होगा तो इसीलिए एक चार के फ्रूल होता है प्योरिन बाय पायरेमेडीन का रेशो हमेशा क्या रहता है वन उम्मीद है समझ आ गया होगा जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्डेड ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है और जो एडेनिन है थाइमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है बाकी तो आपको समझा ही दिया मैंने वो यही वाली बात है कि जब एक जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट टर्न हो गया तो इस टर्न के बीच मतलब कितना डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं पिच ऑफ हेलिक्स ये होती है थ्री पॉइंट ये होती है थर्टी सिक्स एंगस्ट्रॉ या फिर थ्री पॉइंट सिक्स नैनोमीटर डिस्टेंस और इसके बीच में वन कंप्लीट टर्न के बीच में कितने बेस पेयर्स होते हैं वन कम्प्लीट टर्न में होते हैं टेन बेस पेयर्स तो दो बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस होएगा थर्टी सिक्स डिवाइडेड बाई टेन थ्री पॉइंट सिक्स एंगस्ट्रॉग डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर कितना होएगा थ्री पॉइंट सिक्स एंगस्ट्रॉम तो आप देख सकते हैं कि फॉस्फेट मोइटी ये किस किस के साथ लिंक्ड होती है थ्री प्राइम कार्बन ऑफ वन शुगर टू फाइव प्राइम कार्बन ऑफ सक्सीडिंग न्यूक्लियोटाइड इस लाइन का मतलब क्या है कि जैसे देखो ये नंबर ये हमारा पेंटोस शुगर है इसमें जो थ्री प्राइम कार्बन होगा ये थ्री प्राइम कार्बन है इसमें ओ एच ये ये जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड होगा उसका फॉस्फोरिक एसिड इसके साथ ओ एच लिंक के साथ लिंक्ड होगा और एस्टर बॉन्ड बनाएगा और जो ये वाला कार्बन है ना इसमें जो ओ एच लगा हुआ है ये ये वाला ओएच ये वाला ओएच लगा हुआ है ये ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फोरिक एसिड के साथ एस्टर बॉन्ड बनाएगा इसलिए दो एस्टर बॉन्ड बनते हैं तो हम इसे क्या बोलते हैं फॉस्फोर डाइएस्टर बॉन्ड इसके भी आप अपने हैंड रेटर नोट्स बना लेना जैसे मैंने बनाया उसी टाइप के बना लेना अपने नोटबुक में तो आपको और वैसे समझ आ जाएगा रिपीट कर देता हूँ ये जो राइबोज ये जो शुगर है राइबोज शुगर है या फिर पेंटो शुगर भी हम बोल सकते हैं पेंटो शुगर जो ये जो थ्री थर्ड पोजिशन पर जो थ्री प्राइम में जो ओव ग्रुप है वो फॉस्फोरिक एसिड के साथ बना लेगा एस्टर बॉन्ड और जो ये फाइव फिफ्थ पोजीशन में जो कार्बन है उसके ऊपर जो ओएच OH एच लगा हुआ है ये ऊपर वाले के न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फोरिक एसिड के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ऊपर वाला भी एस्टर बॉन्ड और ओएच OH के साथ फॉस्फोरिक एसिड बनाएगा ये भी क्या होगा एस्टर बॉन्ड तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं फाइव फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं तो यही चीज लिखी हुई है थ्री प्राइम कार्बन ऑफ वन शुगर ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड एक न्यूक्लियोटाइड का थ्री प्राइम कार्बन शुगर और टू द फाइव प्राइम कार्बन ऑफ कार्बन ऑफ शुगर ऑफ सक्सीडिंग न्यूक्लोटाइड बॉन्ड बिटवीन फॉस्फेट फॉस्फेट एंड हाइड्रोसल ग्रुप हाइड्रक्सल ग्रुप अभी मैंने ओए ग्रुप दिखा था ना ओ ग्रुप और फॉस्फेट के ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं हम एस्टर बॉन्ड देर इज वन एस्टर बॉन्ड अब एक एक ही शुगर में कितने एस्टर बॉन्ड होते हैं दो एस्टर बॉन्ड होते हैं अभी मैंने आपको दिखाया था इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं फॉसफोर डायस्टर बॉन्ड न्यूक्लिक एसिड एग्जीबिट्स वाइड वैरायटी ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर और जो ये न्यूक्लिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो किसने एक्सप्लेन किया था वाटसन एंड क्रिक मॉडल जो अभी मैंने आपको ये डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर दिखाया था ना ये वाट्स एंड क्रिक ने ही प्रपोज कर रखा है ये वाला जो ये वाले अभी जितने मैंने दिखाए ये वाटसन एंड क्रिक ने ही बता रखे हैं अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल वॉट्स एंड क्रिक मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था जो टू स्टैंड ऑफ पॉली न्यूक्लियोटाइड जो दो स्टैंड होते हैं ना पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन के वो क्या है? होते हैं एंटी पैरल यानी कि ऑपोजिट एंटी पैदल होते हैं रन ऑपोजिट मतलब एंटी पैरदल अगर एक फाइव प्राइम से थ्री प्राइम है तो दूसरा थ्री प्राइम से फाइव प्राइम होगा वो भी मैं आपको दिखा चुका हूँ कि एंटी पैरल होते हैं एंटी पैरल इसको मैं दोबारा से बताता हूँ कि एंटी पैरल होते हैं फाइव एंटी पैदल होते हैं ये फाइव प्राइम से थ्री प्राइम वाला है और ये वाला देखो थ्री प्राइम से फाइव प्राइम एंटी पैदल है तो ये चीज वो बोल रहा है कि जो टू स्टैंड ऑफ पोलिन्यूक्टाइड चेन आर एंटी पैरल दैट इज रन इन ऑपोजिट डायरेक्शन बैकबोन बोन फॉर्म बाय द जो इसकी जो बैकबोन होती है वो कौन बनाती है शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट एंड जो शुगर और फॉस्फेट की जो चेन होती है वो क्या बनाती है बैकबोन बनाती है इसकी एंड बेसिस प्रोजेक्ट इन साइड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो नाइट्रोजन बेसिस होती है ना शुगर फॉस्फेट की बैकबोन होती है डीएनए के स्ट्रक्चर में शुगर फॉस्फेट की बैकबोन होती है एंड जो बेसिस प्रोजेक्ट इन साइड की जो बेसिस होती है वो इन साइड होती है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पूछा जा रखा है नीट में कि बेसिस प्रोजेक्ट ऑप्शन में था कि लेटरली साइड वेज ऐसे ऐसे ऑप्शन में था लेकिन जो बेसिस कहाँ पर प्रोजेक्ट होते हैं इन साइड तो इस पॉइंट को भी काफी इंपॉर्टेंस देनी है तो यही सब एनसीईआरटी सी आर के नोट्स हैं वही वाली बातें हैं जो मैंने आपको समझा दिया नाइट्रोजन बेसिस आर प्रोजेक्टेड इनसाइड टू दिस बैकबोन एडेनिन थाइमिन के साथ दो हाइड्रोजन बॉन्डेड के थ्रू बॉन्ड होता है एंड ग्वानिस् हाइट्रोजन के साथ थ्री थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड होता है और जो हर एक जो स्ट्रैंड होता है वो हेलिकल स्ट्रियर केस हेलिकल मतलब जैसे घूम रहा था ना वो ऐसे से हेलिकल स्ट्रेयर केस इज स्टेप ऑफ एसेंट मतलब राइस पर बेस पेयर वो कह रहा है कि एक बेस पेयर ऊपर जाने में कितना डिस्टेंस होता है अभी मैंने आपको बताया था कि पूरा पिच ऑफ हेलेक्स होता 36 सिक्स एंक्स्ट्राम यानी दस बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस होता था थर्टी तो दो बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस होगा थर्टी सिक्स डिवाइड बाई टेन यानी थ्री पॉइंट यानी कि और ये थर्टी सिक्स यानी अगर एक बेस पेयर से ऊपर जाऊंगा मैं तो थर्टी सिक्स डिग्री का टर्न आएगा थर्टी सिक्स डिग्री क्यों क्योंकि दस बेस पेयर में थ्री सिक्सटी डिग्री घूम जाता है पूरा तो दो बेस पेयर में थर्टी सिक्स डिग्री वन फुल टर्न ऑफ हेलिकल स्टैंड वुड इन्वॉल्व टेन स्टेप्स वही वाली बात है कि फुल टर्न पूरा थ्री सिक्सटी डिग्री घूमने में कितने स्टेप्स आते हैं दस स्टेप्स पिच ऑफ द हेलिक्स कितनी होती है थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स एंगस्ट्रॉम इसको नैनोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं एंड राइस पर बेस पेयर कितना होता है थ्री पॉइंट फोर एंगस्ट्रॉम वन फुल टर्न ऑफ हेलीक स्टैंड वुड इन्वॉल्व अच्छा ही तो मैंने पढ़ा दिया दिस फॉर्म ऑफ डी एन ए जो हम पढ़ते हैं ना वो हम बी डी एन ए पढ़ते हैं यही हमारे सिलेबस में और थैंक यू सो मच गाइज अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना चैनल को एंड अपना सपोर्ट बना के रखना थैंक यू सो मच